तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है करनाल, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, मेडिकल स्टोर संचालक बताया जा रहा है, जो गन्नौर के गढ़ी गुजरान गाँव का बताया जा रहा है, वहां से उसे पकड़ा गया है। लगभग 200 इंजेक्शन जो है बताया जा रहे हैं उससे पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि जो 200 इंजेक्शन है, जो पेंटाजोन इंजेक्शन बताए जा रहे हैं, ये अक्सर खिलाड़ी यूज किया करते हैं, जो ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनका शरीर बिल्कुल इस तरह से सुन्न हो जाता है उस इंजेक्शन को लेकर कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता, और वो अपनी जो प्रैक्टिस की कैपेबिलिटी है उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं। ऐसे इंजेक्शन पहले भी लगातार पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि 40 से 45 रुपए का एक इंजेक्शन जो है दिल्ली से लाकर ये यहाँ पर सोनीपत का एरिया है गन्नौर, वहां पर बताया जा रहा है कि बेचा करता था। लगभग 80-90-100 जिस हिसाब से ग्राहक होता था उस हिसाब से उसको बेचा करता था। लगभग 40-50 का इंजेक्शन जो है वो डबल रेट में आगे बेचा करता था, और ये इंजेक्शन इलीगल है, प्रतिबंधित है। उसके बावजूद जो एक मेडिकल स्टोर संचालक जो है, ये बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है मेडिकल स्टोर संचालक जो है ये है गन्नौर के गढ़ी गुजरान गाँव, सुरेंद्र इनका नाम बताया जा रहा है। लगभग साल के आसपास से बताया जा रहा है कि ये काम करते हैं और खेतों आदि में अपने इंजेक्शनों को ये रखा करते थे छुपाकर, जिसके बाद आज करनाल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को मुखबिर से जो है जानकारी मिलती है, जिसके बाद इस आरोपी को पकड़ा गया। और लगातार जो है कहा जाता है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, उनसे अपील की जाती है कि आप लोग इस तरीके के इंजेक्शन ना लें, क्योंकि बाद में ये शरीर को कहीं ना कहीं खोखला जरूर बना देता है। जी हाँ, खोखला जरूर बना देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों को इस तरफ जाने से बचना जरूर चाहिए। 200 इंजेक्शन इनसे बरामद किए गए, हो सकता है इनके पास और भी इस तरीके के कुछ सामान हो, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि आगे की जो पूरी जांच की जाएगी, रिमांड लिया जाएगा, उसमें खुलासा होगा कि क्या ये व्यक्ति जो है उस एरिया में अकेले बेचते थे या इनके साथ कोई और भी है। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। यहाँ पर बातचीत करेंगे जो केस के आईयू हैं चंदेश्वर जी की, उनका क्या कुछ कहना है, कैसे जो है उन्हें सफलता हासिल हुई। बड़ा मामला ये है कि ये जो कल हमारे टीम को सूचना मिली थी कि गन्नौर के अंदर सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो गढ़ी गुजरान का रहने वाला है, जो जिला सोनीपत के अंदर गांव आता है, ये जो गन्नौर के अंदर प्रिंस नाम से मेडिकल का स्टोर खोला हुआ है, जो ये काफ़ी दिनों से जो है नशीले इंजेक्शन पेंटाजोनम की जो है, ये आसपास के जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी जो कबड्डी खेलते हैं या कुश्ती खेलते हैं या दूसरे कोई ऐसी मैच है जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको ये दिल्ली से लाकर सप्लाई करता है। दिल्ली से ये पेंटाजोनम का ये इंजेक्शन ला के वहाँ, और ये दुकान में ना रख के इसके खेत के अंदर एक कोठा बना हुआ है उसके अंदर छुपा कर रखता था। जैसे इसके आसपास के जो जिसके इंजेक्शन के लेने वाले जो व्यक्ति हैं या लड़के हैं वो इससे संपर्क करके और फिर ये वहाँ से ये सप्लाई कर उनको देता था। सर कितने का इंजेक्शन ये बेचता था? ये इंजेक्शन दिल्ली से तो लेकर आता है ये लगभग 40 से 45 रुपए का। आगे ये जैसा ग्राहक होता है, जिस तरह कोई गरीब आदमी है वो उसको जो है ये 80 रुपये 90 रुपये या 110-105 के हिसाब से। सर ये काम कर रहा था, ये पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये लगभग जो है 1.25 साल से काम कर रहा है ये। सर आपको कैसे सफलता हासिल हुई है इसको पकड़ने में, कैसे आप लोग सफल हुए? ये तो हमें मुखबर के माध्यम से जिसके आसपास जिसको बेचता हुआ किसी खिलाड़ी ने इसको दूसरे खिलाड़ी को देते हुए देखा हुआ, जिसने हमें गो सूचना दी थी हमारे डिपार्टमेंट को, जिसके आधार पर जी कितने इंजेक्शन बरामद हुए हैं? इससे फिलहाल 200 इंजेक्शन बरामद हुए हैं जी, आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे। कहां से बरामद हुए हैं सर? ये गन्नौर के एरिया में ही पावर हाउस है जी, जहां ये किसी को देने के लिए जा रहा था। और भी इंजेक्शन हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं अभी रिमांड लेंगे, आज कोर्ट में पेश करेंगे और रिमांड लेंगे। रिमांड के दौरान इसके साथ अभी रिमांड के दौरान पता लगेगा, जब फिलहाल तो भी कुछ ऐसे नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग नशे की लत में जिंदगी? हमारा डिपार्टमेंट जो है 2020 में जो है ये गठित हुआ गया था, जो श्री जागव साहब ADGP साहब की देखरेख में हम कार्य कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी जो है हमने इंजेक्शन पकड़ी है आसपास के और समय समय पर पकड़ रहे हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया 90-500-91-500, जिसको हमने पहले भी आप लोगों के माध्यम से हमने जो है पब्लिक को या उनको हमने सूचना दी है भाई, किसी व्यक्ति अगर इसे गुप्त सूचना देना चाहते हैं तो उनकी जो है नाम पता गुप्त रखा जाएगा और हमें ये बता सकते हैं कि भाई हमें कौन बंदा जो है ये नशीले चीज़ बेच रहा है या कौन पी रहा है,
ताकि उनको उनके बात क्या हूँ गुप्त रखते हैं। उसका खिलाड़ियों को देता था ये अधिकतर ये इंजेक्शन जो स्पोर्ट्स मैन है वो ही लेते हैं ज्यादातर। अच्छा, जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह के मान लो कोई अगर आप 5 दंड बैठक लगाते हैं तो इसके इंजेक्शन लगाने से आप 500 भी लगा सकते हैं, आपको शरीर को महसूस नहीं होगा कि मैंने क्या है गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सर शरीर अंदर से खोखला होता है। कोई भी स्पोर्ट्स मैन है जब ये इंजेक्शन लेते हैं तो ये इनका एक सवा साल तो शरीर के अंदर काफी फुर्ती और वो पावर आता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो डेड हो जाते हैं। सप्लायर के काम करता था ये, वैसे तो ये सप्लायर का काम करता था खिलाड़ियों के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है खिलाड़ियों को ज़्यादातर बताया जा रहा है कि ऐसे इंजेक्शन बेचा करता था जो है, और भी लोग जो है इस तरीके के इंजेक्शन का यूज़ करते हैं कई बार सर जो शरीर होता है उसको सुन करने के लिए, ताकि कुछ भी जो है महसूस ना हो, और ऐसा सबसे ज़्यादा जो है खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स मैन है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। तो खासकर अपील उन लोगों से करना चाहेंगे कि जो प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके के इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें, या आपके शरीर को एक वक्त तक ही जो है मजबूत बनाएगा, उसके बाद आपका शरीर खत्म हो जाएगा और आगे जब आपकी जो आने वाला समय होगा वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो इस तरीके के इंजेक्शन इस्तेमाल ना करो। पेंटाजोन नामक इंजेक्शन ये बताया जा रहा है, जो लगभग 200 के करीब इनसे पकड़े गए हैं। आरोपी का नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है, जो गन्नौर के सोनीपत का बताया जा रहा है, वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पर ये एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के नारकोटिक डिपार्टमेंट के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से योगी अमन गोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।